दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने राउट एवेन्यू कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से। 20 जून को शराब घोटाले में मिली थी जमानत, लेकिन हाईकोर्ट में जो दलील दी गई है जिसमें कहा गया है कि 21 जून को ही हाईकोर्ट पहुंच गई ईडी। 21 जून को हाईकोर्ट ने जमानत पर स्टे लगा दिया। 25 जून को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत जो है वो खारिज हो गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि राउट एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल जमानत नहीं मिली थी। ये जो है वो केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा, सुप्रीम कोर्ट को लेकर उम्मीद जो है वो बनी हुई है। 21 जून को ही हाईकोर्ट पहुंच गई ईडी। 21 जून को हाईकोर्ट ने जमानत पर स्टे लगाया। हालांकि इस पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने तमाम सवाल खड़े किए थे कि आखिरकार ईडी तुरंत जमानत जो एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दी गई, उस पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने तमाम सवाल भी खड़े किए थे कि आखिरकार ईडी को इतनी क्या जल्दी है जो ईडी तुरंत हाईकोर्ट पहुंच गई। अब अरविंद केजरीवाल के सामने एक ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट का। 21 जून को ही ईडी पहुंच गई थी। 21 जून को हाईकोर्ट से जमानत पर स्टे जो है वो लगाया। सीबीआई टीम ने जमानत का विरोध किया था और हाईकोर्ट ने इस मामले में फाइनल फैसला आने तक जमानत पर रोक लगा दी थी। और आज हाईकोर्ट ने अपने फैसले में केजरीवाल को जमानत नहीं दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि 23 जून को केजरीवाल जमानत पर हाईकोर्ट के स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई उसमें कहा है, क्या कहा है एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। दरअसल हाईकोर्ट का फैसला जो है वो बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन है। दूसरा, हाईकोर्ट का फैसला जमानत के लिए निर्धारित कानून के विपरीत है। हाईकोर्ट का फैसला बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन, क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की याचिका में केजरीवाल ने। हाईकोर्ट का फैसला जमानत के लिए निर्धारित कानून का उल्लंघन, हाईकोर्ट का फैसला बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन है, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में। निर्धारित कानून के विपरीत है, बुनियादी मौलिक सीमा का ये उल्लंघन बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। देखिए क्या क्या खास बातें हैं वो हम आपको मेंशन कर रहे हैं। हाईकोर्ट का फैसला बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन। दूसरा, क्या बड़ी बात कही गई है, हाईकोर्ट का फैसला जमानत के लिए निर्धारित कानून के जो है वो विपरीत है। तो ये दो बड़ी बातें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। केजरीवाल के वकील अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका भी दायर कर सकते हैं, ये भी खबर जो है वो सामने आ रही है। जिस तरह से देखा जाए, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आपको बता दें कि मामले में दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश से न्याय को चोट पहुंची है और याचिकाकर्ता को भी दुख पहुंचा है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए, 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर किया था। 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। शराब घोटाला और केजरीवाल को लेकर क्या अब तक हुआ है, 10 अप्रैल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई थी और फिर ये कहा गया था कि 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर करना है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था और बाकायदा केजरीवाल ने सरेंडर कर भी दिया था। 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। अब तक क्या क्या हुआ है इस पूरे मामले में वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर किया और उसके बाद फिर से जमानत जो है वो मिल गई थी, लेकिन फिर को ईडी जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है जमानत पर। अब एक ही ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट का। 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर किया था, उसके बाद अचानक से आपको याद होगा कि लगभग 20 मार्च को जो है, माफ कीजिएगा, 20 जून को जो है वो जमानत दे दी गई थी। 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर किया और इसके साथ ही क्या क्या कब कब हुआ वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए किस तरह से हाईकोर्ट से केजरीवाल की जमानत रद्द होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जब स्टे ही बिना ऑर्डर पढ़े लगा दिया गया था तो हाईकोर्ट से ज्यादा उम्मीदें भी नहीं थी, ये सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया। जब आप ऑर्डर देखे बिना ही किसी चीज को स्टे कर देंगे
तो उसके बाद आप उस स्टे को जस्टिफाई करने के लिए ऑर्डर देंगे, आपके पास और कोई रास्ता नहीं बच जाता कि आप ये कहें कि नहीं वो मैंने बिना ऑर्डर देखे ही उसको स्टे कर दिया था, वो गलत कर दिया था, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो हम जो है इसके लिए ऊपर की अदालत के अंदर जाएंगे, हमारी लीगल टीम से बात कर रहे हैं किस स्ट्रेटजी से जाएंगे। आपको बता दें कि आप किस तरह से, देखिए हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है केजरीवाल की जमानत, अब जो है वो सभी की निगाहें जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे देखता है, क्या सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आई, नजर राहत मिलती हुई नजर आएगी, या फिर से अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आएंगी। हमारे साथ आदित्य हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आदित्य, केजरीवाल से जुड़े मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी है, क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आएगी अरविंद केजरीवाल को, फिलहाल हाईकोर्ट ने तो मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का पूरा मामला है, जिस तरीके से उनको राज्य रेवेन्यू कोर्ट में जो न्यायालय ने उनको जो बेल दिया था 1,00,000 के बॉन्ड के ऊपर में, वो सब जो है धराशायी हो गया जब अब हाईकोर्ट की तरफ से जब साफ साफ कह दिया गया है कि उनको अब नहीं दिया जा सकता। इसमें ईडी ने और एएसजी राजू ने जिस तरीके से बातें रखी वो बहुत ही जानना जरूरी है, जिस बात को लेकर के पहले दिन से आशंका जताई जा रही थी कि हाईकोर्ट में शायद ये पूरा ये मामला है वो न टिक पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से न्याय बिंदु जो जज हैं वहां पे उन्होंने फैसला सुनाया था और उन्होंने साफ कहा था कि ईडी के पास में या जो एएसजी राजू सही से उस तरीके के जितने भी एविडेंस हैं वो नहीं साबित कर पाए, वो नहीं दिखा पाए हैं, इस वजह से हम उन्हें देने को बेल देने को रेडी हुए हैं। लेकिन ईडी की तरफ से उनको राजीवनी कोर्ट में कहा गया था कि हमें 24 घंटे का समय दिया जाए और उस समय के बीच में हम जो है हाई कोर्ट जाएंगे, जिसके बाद कोर्ट ने लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट के में जाने के लिए समय नहीं दिया था और आदेश पारित कर दिया था। उसके अगले जस्ट दिन ईडी जो है हाईकोर्ट पहुंची थी और हाईकोर्ट में इस बात को उठाया था और हाईकोर्ट में इस बात को उन्होंने रखा कि ईडी को हमें हमारी बात को रखने का समय नहीं दिया गया, जो कोर्ट है हमारी लोअर कोर्ट ने हमारी बात को सुना नहीं, हमारे जो दलीलें हैं उनको नहीं सुना, उसके बाद जो है जल्दबाजी में यह फैसला दिया गया। और सेम उसी बात पे जब जिस दिन हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था कि जब तक सुनवाई हाईकोर्ट में चलती रहेगी तब तक इस पर कोई फैसला नहीं दिया जाएगा और किसी तरीके की कोई बातचीत इस पर नहीं की जाएगी, कोई बेल जो बॉन्ड की प्रक्रिया है उसमें कोई नहीं हो पाएगा, जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद में उस पूरे के पूरे जो ऑर्डर था उस पर रोक लग गई थी। उसके बाद आज जिस तरीके से फैसला आया है, हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि ईडी को लोअर कोर्ट में किसी तरीके की जो बातचीत रखने की अपनी पूरी समय नहीं मिला था, सही से नहीं सुना गया था, जो केस की जो जिम्मेदारी पूरी जिस तरीके से मामला पूरा है उस तरीके से उस पर नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।